भारत सरकार ने कोरोना संकट से निपटने और देश की जनता को कोरोना मरीजों से दूर रखने के लिए एक ऐप का निर्माण किया है। सरकार का दावा है कि इस ऐप के माध्यम से कोरोना मरीजों से दूरी बनाना संभव हो सकेगा और स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होने से बचाया जा सकेगा। सरकार ने प्रत्येक मोबाइलधारी व्यक्ति से इस ऐप को डाउनलोड करने का अनुरोध किया है। इस ऐप को लेकर देश के विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल इस बात का है कि इस ऐप को डाउनलोड करने वाले व्यक्ति की निजता भंग हो रही है, जबकि सरकार का दावा है कि यह ऐप सिर्फ आपके लोकेशन को ट्रेस करती है और आपको आगाह करती है कि आप जिधर जा रहे हैं वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज है या नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ कोरोना का कोई मरीज मौजूद है या फिर संदिग्ध है, तो ऐप आपको आगाह करेगा कि उस क्षेत्र में जाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आप भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आपके मोबाइल का लोकेशन और ब्लूटूथ चालू दशा में होगा, यानी लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन होगा। साथ ही आपके आसपास आने वालों के मोबाइल में भी यह ऐप मौजूद होगा और उसका लोकेशन और ब्लूटूथ भी ऑन होगा। इस ऐप का फ़ायदा तब होगा जब देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल पर यह ऐप डाउनलोड होगा। यह ऐप आपको हेल्पलाइन की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि चीन में भी ऐसा ही ऐप बनाया गया था, जो वहां के कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर बताया गया है। आइए देखते हैं यह ऐप आपसे क्या जानकारी मांगता है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इससे निजता भंग हो रही है। ऐप आपसे आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सहित कुछ सामान्य जानकारी मांगता है, साथ ही आपके लोकेशन को ट्रेस करने की इजाज़त भी मांगता है, जबकि सोशल मीडिया के कई ऐप आपसे इससे कहीं ज़्यादा जानकारी मांगते हैं, जैसे गैलरी, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन आदि शामिल हैं। ऐसी जानकारी मांगने वालों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल भी शामिल है, जो भारतीय ऐप नहीं है। आपकी जानकारी अमेरिका के सर्वर और अन्य सर्वरों में स्टोर होती है। यही नहीं, आजकल टिकटॉक जैसे ऐप को दी गई सभी जानकारी तो चाइना के सर्वर में स्टोर होती है, यानी आपकी अपनी सभी जानकारी विदेशों के सर्वर में स्टोर हो रही है। आरोग्य सेतु पूर्णतः भारतीय ऐप है और भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। यह आपके लोकेशन और ब्लूटूथ के हमेशा ऑन रहने पर ही काम करेगा। जहां तक इसमें शामिल निजी कंपनी का सवाल है, तो भारत सरकार ने इसके मेंटेनेंस का काम निजी कंपनी को दिया है, जबकि डाटा पूरी तरह से भारत सरकार के सर्वर में मौजूद है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दुकान के गल्ले कि चाबी सेठ के पास होती है, लेकिन वहां के कर्मचारी दुकान में साफ सफाई का काम करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य नेताओं ने इस ऐप पर सवाल उठाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस ऐप की तारीफ की है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को बॉडीगार्ड कहा है। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। इस ऐप पर सवाल उठाने वाले नेता अन्य सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वह राहुल गांधी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अन्य नेता हो, ये सभी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से अपनी सभी जानकारी अन्य देशों में मौजूद सर्वर को दे रहे हैं, जबकि विशुद्ध भारतीय ऐप सिर्फ आपके लोकेशन को ट्रेस कर रहा है, जबकि यह ऐप के उद्देश्य के लिए जरूरी है। यदि हमारे लोकेशन की जानकारी भारत सरकार के पास होती है तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी देश के प्रत्येक नागरिक की जानकारी किसी न किसी योजनाओं के माध्यम से सरकार के पास होती है, जिसके आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जबकि इससे कहीं अधिक जानकारी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से आप विदेशी सर्वरों को दे चुके हैं। और फिर नेताओं को तो खुली किताब होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे प्रतिनिधि हैं। इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX न्यूज़, रायपुर।